एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ कार्यक्रम में इस काव्य संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे दाहिनी ओर हैं बहुत सुप्रसिद्ध कवि श्री राजीव बड़ोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उनके समीप ही हमारे उत्तराखंड के जाने माने कवि अनिल शिवरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बाई ओर डॉक्टर अजय वर्मा जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की काव्य संध्या। मैं राजीव बड़ोली जी को आवाज़ दूंगा कि वो इस काव्य संध्या का शुभारंभ सरस्वती वंदना से करें। मंच पर यामक के सभी कवियों को मेरी ओर से ओम प्रणाम। जैसा कि सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है तो लीजिए प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। स्वागत। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बने भारत वो साहस बल दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम, घर घर सावित्री सीता माँ हर घर में भर दे। हे अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार फिर राजीव बड़ोली जी को आवाज़ दूंगा कि वो अपनी कविता सुनाकर हमें भावनाओं से सराबोर करें, एक अच्छी सी कविता राजीव बड़ोली जी के द्वारा। धन्यवाद त्यागी जी। पावन रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर मैं दो पंक्तियाँ, जैसे कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं दो पंक्तियाँ रक्षाबंधन पर भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत। दुनिया के रिश्तों में ये रिश्ता कुछ खास है, दुनिया के रिश्तों में ये रिश्ता कुछ खास है, राखी के धागों से बनता हाथों में विश्वास है। राखी से धागों से बनता हाथों में विश्वास है, बहिना खड़ी द्वार पे मेरे लेके खुशियों का हार, बहिना खड़ी द्वार पर मेरे लेकर खुशियों का हार, पूरे बरस बाद आया है आज ये राखी का त्योहार, पूरे बरस बाद आया है राखी का त्योहार। अब के बरस कुछ खास है राखी, हसरतें मिलने की थी सब बाकी, सारे जग में सबसे सच्चा भाई बहन का ये प्यार, प्रीत के धागों में बंधा उमड़ा पड़ा स्नेह का ये संसार, कच्चे धागों की पक्की डोर है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, दुनिया के रिश्तों में ये रिश्ता कुछ खास है, राखी के धागों से बनता हाथों में विश्वास। और इस अब मैं अपनी जो मूल रचना है उस पर आता हूँ। कभी वक्त मिला ही नहीं, कभी पास आते तो बताते दिल का हाल, मगर कभी वक्त मिला ही नहीं। कभी पास आते तो बताते दिल का हाल, मगर कभी वक्त मिला नहीं, यूं दूर से पूछते रहे तुम हाले दिल, हम खैरियत ही कहते रहे, सच बतलाने का कभी वक्त मिला ही नहीं। जो बात जुबां से कह सकते वो बात लबों से कह देते, मगर कभी वक्त मिला ही नहीं। सोचता रहा तुम्हारे हर गम में साथ खड़े रहेंगे, सोचता रहा तुम्हारे हर गम में साथ खड़े रहेंगे, मगर कभी वक्त मिला ही नहीं। पास बैठते तो समझाते एक दूजे को, दूर करते गिला सिखवा, मगर न जाने क्यों कभी वक्त मिला ही नहीं। चाहत थी काम ऐसा हो जो जाने का मन करता, साम ऐसी होती जो घर आने का मन करता, मगर कभी वक्त मिला ही नहीं। आंसू का मोल तो जाना मगर तुम्हारे आंसू पोछ नहीं पाया, क्या करें कभी वक्त मिला ही नहीं। मिलते तो साथ बैठकर पी लेते चाय की गरम प्याली,
मगर कभी वक्त मिला ही नहीं। यूं चलते गए तुम अनजाने बन, अधूरी रह गई मिलन की वो हसरतें, सोचते रह गए मिलने को मगर कभी वक्त मिला नहीं। मगर कभी वक्त बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रणव जी, आपने राखी त्यौहार को, राखी पर्व को बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषित किया और बड़ी अच्छी कविता आपने सुनाई, कभी वक्त मिला ही नहीं। बस हम वक्त ही रोना रोते रहते हैं कि वक्त मिला ही नहीं, बस वक्त को चुराना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इन पंक्तियों से मैं आवाज़ देता हूँ अगले कवि को कि अजीब रवायत का है किस्सा दुनिया में। अनिल जी, अजीब रवायत का किस्सा है दुनिया में, जीने को मरता है एक हिस्सा दुनिया में। क्या बात, बहुत अजीब रवायत। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे बाईं ओर जो कवि बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर अजय वर्मा जी, बड़े अच्छे प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी कविता स्वागत पाठ करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी कविता सुनाएं। स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। ये एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी, स्वागत आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। हमारी ख्वाहिशों की ऊंचाइयों पर मत हंसो, हमारी ख्वाहिशों की ऊंचाइयों पर मत हंसो, जीत पर आए अगर हम तो हासिल करके रहेंगे। वाह वाह, क्या बात है, जीत पर आए हम तो हासिल करके रहेंगे। हमारी ख्वाहिशों की ऊंचाइयों पर मत हंसो, अगर जीत पर आए तो हासिल करके रहेंगे। तुम्हारे झूठ के खेल ने झकझोर दिया है मुझको। वाह वाह, तुम्हारे झूठ के खेल ने झकझोर दिया है मुझको। हम समझते थे कि उम्र भर उन जुल्फों के साए में रहेंगे। ओए होए, क्या बात, क्या बात है। तुम्हारे झूठ के खेल ने झकझोर दिया है मुझको। हम समझते थे कि सारी उम्र उन जुल्फों के साए में रहेंगे। भाषा, इतिहास और फिलॉसफी, भाषा, इतिहास और फिलॉसफी, सब कुछ शामिल है मोहब्बत में। भाषा, इतिहास और फिलॉसफी, सब कुछ शामिल है मोहब्बत में। फायदे की गणित करने वाले इसे कहाँ समझ पाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फायदे की गणित करने वाले इसे कहाँ समझ पाएंगे। मोहब्बत बढ़ती है कहने वालों का, मोहब्बत बढ़ती है कहने वालों का, दिल तोड़ना एक खेल सा रहा। मोहब्बत बढ़ती है कहने वालों का, दिल तोड़ना एक खेल सा रहा। वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं सारा दिन, वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं सारा दिन। जो कहते थे कि मोहब्बत टूटी तो मर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कहते थे कि मोहब्बत टूटी तो मर जाएंगे। हमारी ख्वाहिशों की ऊंचाइयों पर मत हंसो, जीत पर आए तो हासिल करके करके। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये अलग बात है कि कौन सी ख्वाहिश है, जुल्फें कौन सी है, वो ये काव्य गोष्ठी के बाद ये रहस्य को उजागर करेंगे। बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर कविता, और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी कविता से हमें, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। चलिए गोष्ठी के अगले दौर में हमारे साथ जो एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अपने पुराने मित्र हैं, पुरानी बहुत समय से पहचानते हैं, बड़ी अच्छी कविता, सटीक कविता लिखते हैं, बहुत गहरी कविता लिखते हैं, उनके लिए दो शब्द और इन पंक्तियों से मैं उन्हें आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी कविता सुनाएं कि एहसास, ये एहसास, ये एहसास होता है। एहसास, ये एहसास, ये एहसास होता है, गुम सा रहकर भी दिलों के पास रहता है। एहसास, ये एहसास, ये एहसास रहता है। इन पंक्तियों के साथ मैं दावत दूंगा श्री अनिल शिवरे जी को कि वो अपनी सुंदर सी कविताएं। स्वागत। कुछ छोटे छोटे चंद शेर सुना रहा हूँ। बहुत स्वागत, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। कि अब मुझे पहले से साफ दिखाई देने लगा है यार। क्या बात है, अब मुझे पहले से साफ दिखाई देने लगा है यारो। कल ही तो वो धूल झोंक कर गया था मेरी आँख। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। कल ही तो वो धूल झोंक कर गया था मेरी आँखों में। अब मुझे पहले से साफ दिखाई देने लगा है यारो। कल ही तो वो धूल झोंक कर गया है मेरी आँखों में। क्या बात। आगे सुनिए। कि रिश्तों में वो नमक की मानिंद हैं,
रिश्तों में वो नमक की मानिंद है, रिश्तों में वो नमक की मानिंद हैं, थोड़ा वफादार भी हैं और थोड़ा नमकीन भी। क्या बात है, थोड़े वफादार भी हैं थोड़े नमकीन भी, क्या बात। रिश्तों में वो नमक की मानिंद हैं, थोड़ा वफादार भी हैं थोड़ा नमकीन भी। आगे देखिएगा, मेरा महबूब रह गया है इस बार बारिश में भीगने से। ओए ओए, मेरा महबूब रह गया है, मेरा महबूब रह गया है इस बार बारिश में भीगने से, लगता है तभी लौट रही है बारिश रह रहकर। अरे हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। मेरा महबूब रह गया है इस बार बारिश में भीगने से, लगता है तभी रह रहकर, तभी लौट रही है बारिश रह रहकर। क्या बात। अगली पंक्ति है, स्वागत। कि वो जहर की शीशी में, कि वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा था। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा था, कि वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा था, पगला था। पगला था इस जमाने में दवा ढूंढ रहा था। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी इस कविता से मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, कि कहना मुश्किल है रहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है सहना मुश्किल है, और रहना तो है ही पर रहना मुश्किल है। बहुत खूब। हर महत्वपूर्ण अवसर पर एक मंच पर एकत्र करने के लिए हमारे शागिर्द बन जो बड़े भाई त्यागी जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं, मैं इन पंक्तियों के साथ का जो पाठ लेने आमंत्रित करता हूँ, कि यूँ तो हम किसी का पीछा नहीं करते, कि यूँ तो हम किसी का पीछा नहीं करते, दर्द दिल लिया और दिया नहीं करते, इत्तफाक है मोहब्बत आपसे हो गई, वरना तो कीमती चीज हम किसी को दिया नहीं करते। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक प्रयोग है। नहीं नहीं, स्वागत है, स्वागत है। मैं हूँ एक लेखनी, मैं हूँ एक लेखनी, एक कलम एक लेख यंत्र। सुंदर। मैं हूँ एक लेखनी, अच्छा है, एक कलम एक लेख यंत्र, मैं एक साधन मात्र हूँ, मैं एक साधन मात्र हूँ, सदियों से एक परंपरा हूँ, मानव महामानव के विचारों मान्यताओं मार्गदर्शन व्यक्तिगत अनुभवों अनेक दर्शनों योग्यताओं सामाजिक अनुभवों के लेखन की। मैं हूँ एक लेख, एक कलम एक लेख यंत्र। बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत बेहतरीन। दूसरा दृश्य देखिएगा, कि स्वरूप बदले हैं मेरे कई, स्वरूप बदले हैं मेरे कई, स्वरूप बदले हैं मेरे कई विभिन्न काल खंडों में, पर वही निमित्त हूँ, लेखक के भावों की सुर्खियों को उक्तियों को अपने सामाजिक सरोकारों के दर्द चुनौतियों वातावरण को पटल पर उकेरने को। बहुत अच्छा है, मैं बेहतरीन प्रयोग हूँ, एक लेखनी मैं एक कलम एक लेख यंत्र। अगला दृश्य, मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा भी एक प्रश्न है आप सब रचनाकारों लेखकों और कलमकारों से, मेरा भी एक प्रश्न है आप सभी लेखकों रचनाकारों कलमकारों से, शायद प्रत्युत्तर मिल जाए, शायद प्रत्युत्तर मिल जाए, जब आप कुछ लिखते हो मेरी भी तो सहभागिता होती है ना। बहुत खूब। जब आप लिखते हो मेरी भी तो सहभागिता होती है ना, यथार्थ सत्य वही शत प्रतिशत महत्व है आपकी रचना धर्मिता में, भाई शत प्रतिशत महत्व है आपकी रचना धर्मिता में, सहमति लेते हो लिखने की, भाई शत प्रतिशत महत्व है आपकी रचना धर्मिता में, सहमति लेते हो लिखने की। मैं अच्छा प्रश्न, मैं हूँ एक लेखनी, बहुत बढ़िया, एक कलम एक लेख यंत्र। और अंतिम, कभी प्रयास किया है मुझसे भी संवाद करने का, कभी प्रयास किया मुझसे भी संवाद, कभी प्रयास किया है मुझसे भी संवाद करने का, या तुम मात्र खेलते रहोगे यंत्रवत मुझसे। मुझसे भी कभी प्रयास किया है संवाद करने का, या तुम मात्र खेलते रहोगे यंत्रवत मुझसे, मुझे साधन मात्र समझकर मेरे भाव
मेरे वांछनीय वैचारिक प्रखरता, मेरे भाव मेरी वैचारिक प्रखरता से विरत रहोगे, यूं ही अवहेलना करोगे। मैं हूं कलम, लेखनी, एक लेख यंत्र। किंचित कभी समय उपलब्ध हो, बड़ोली जी, कि किंचित कभी समय उपलब्ध हो, कभी स्वार्थ सिद्धि से पृथक हो मंथन करना। किंचित कभी समय उपलब्ध हो, कभी स्वार्थ सिद्धि से पृथक हो मंथन करना, शायद संभव हो तब अनमोल अमर रत्न पा सको। शायद संभव हो तब अनमोल अमर रत्न पा सको, तदंतर मुझे भी अवश्य बताना, तदंतर मुझे भी अवश्य बताना, फिर हम समवेत प्रयासों से रचेंगे कुछ कालजयी रचना। क्या बेहतरीन। फिर हम समवेत प्रयासों से रचेंगे कुछ कालजयी रचना। हाँ बताना, बताना अवश्य। मैं लेखनी हूँ, एक कलम, एक लेख। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा समा बन रहा है, सबकी बहुत बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं, आनंद आ रहा है। एक बार फिर मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज़ दूंगा राजीव बड़ोनी जी को कि लंबे सायों से उन हारों की थोड़े से कुछ हार मिले हैं, लंबे सायों से उन हारों की थोड़े से कुछ हार मिले हैं, और मुस्कराए फूलों के संग संग कातिल हमको खार मिले हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ शीला जी बड़ोनी, धन्यवाद त्यागी जी, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। धन्यवाद, छोटी सी रचना। धन्यवाद। मैं लड़ूंगा जी, गीत के रूप में सुनाने की कोशिश। स्वागत। मैं लड़ूंगा तकदीर को तेरी संवारने के लिए, मैं लड़ूंगा तकदीर को तेरी संवारने के लिए, मैं लड़ूंगा हर हाल में कांटे तेरी राहों से हटाने के लिए, बढ़िया। मैं लड़ूंगा राहों से कांटे तेरे हटाने के लिए, मैं बन जटायु राम को दूंगा रावण का पता, मैं बन जटायु राम को दूंगा रावण का पता, नाम मेरा गुं गया तो क्या, नाम मेरा गुं गया तो क्या, नाम मेरा गुं गया तो क्या, नाम तेरा दूंगा अपने नाम को, मैं लड़ूंगा तकदीर को तेरी संवारने के लिए, अपने अरमानों की डोर अब सौंप आया हूँ तुम्हें, अपने अरमानों की डोर अब सौंप आया हूँ तुम्हें, मैं जीऊंगा या मिटूंगा गम नहीं इसका मुझे, काम ऐसा जीते जी कर जाऊंगा, काम ऐसा जीते जी कर जाऊंगा, मौत से भी छीन कर मैं लेके तुझको आऊंगा, मैं लड़ूंगा तकदीर को तेरी संवारने के लिए, मैं लड़ूंगा राह से कांटे तेरे हटाने के लिए, मैं लड़ूंगा, मैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं, नए नए प्रयोग। और इन पंक्तियों से मैं अगले कवि को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपनी कविता सुनाएं। अनिल जी ध्यान चाहूँगा डॉक्टर साहब कि तबाह जब से वो रिश्ते हो गए, तबाह जब से वो रिश्ते हो गए
हम तभी से फरिश्ते हो गए। क्या बात है, तबाह जब से वो रिश्ते हो गए हम तभी से फरिश्ते हो गए। और होता नहीं महसूस अब दर्द है, होता नहीं महसूस अब दर्द है, जख्म सारे जो सस्ते हो गए, हम तब से फरिश्ते हो गए। ढाई दशक में बहुत कुछ जल गया, आपने ढाई दशक की कहानी अरे दो पंक्तियों में बयान। धन्यवाद धन्यवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर साहब कि अच्छी सी सुंदर सी कविता सुना के हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। धन्यवाद सर, स्वागत है। एक नई कविता है जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत है। सारा दिन तेरे ख्यालों को दबा कर रखता हूँ। ओए होए, मतलब मार के रहोगे आज, पीछे पड़ गया तो। सारा दिन हाँ। तेरे ख्यालों को दबा कर रखता हूँ, दबा के रखता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और हर रात आंख बंद होते ही तू मेरे सामने होती है। हाँ, क्या बात, क्या बात। सारा दिन क्या बात, तेरे ख्यालों को दबा कर रखता हूँ। रात होते ही, हर रात आंख बंद होते ही तू मेरे सामने होती है। बहुत बहुत बढ़िया। जागते सोते बड़ी बेचैनी से कटती हैं मेरी रातें, जागते सोते बड़ी बेचैनी से कटती हैं मेरी रातें। सोचता रहता हूँ आखिर कैसे तू चैन से सोती है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोचता रहता हूँ आखिर कैसे तू चैन से सोती है। बहुत सुंदर, आगे देखिएगा। स्वागत। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं, नहीं, सब कुछ सामान्य सा है। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं, नहीं, सब कुछ सामान्य सा है। हम दोनों के जहन, हम दोनों का जहन हर दिन बस यही मानता है। क्या बात है, लेकिन है नहीं सामान्य। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं, सब कुछ सामान्य सा है। हम दोनों का जहन हर दिन बस यही मानता है, जो गलत है। मगर हर उस क्षण में जी, मगर हर उस क्षण में जब हम एक दूसरे को देखते हैं। क्या बात है, मगर हर उस क्षण में, हर उस क्षण में जब हम एक दूसरे को देखते हैं, उस वक्त जो दिल पे गुजरती है, उस वक्त जो दिल पर गुजरती है, वो तो बस दिल ही जानता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डूब के लिखा है साहब, बहुत नहीं, बहुत सुंदर। धन्यवाद। समय पर छोड़ दो सब कुछ, समय पर छोड़ दो सब कुछ, समय पर छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ। ये जो एक आस तुमने दी थी, समय पर छोड़ दो सब कुछ, ये जो आस, छोड़ दो सब कुछ, ये जो एक आस तुमने दी थी, बस इस बात के सहारे ही तो मेरी उम्मीदों ने पंख उगाए हैं। क्या बात, बस इसी सहारे। समय पर छोड़ दो सब कुछ, ये जो एक आस तुमने दी थी, बस इस बात के सहारे ही तो मेरी उम्मीदों ने पंख उगाए हैं। वक्त के हाथों में सब कुछ छोड़कर देखा है मैंने। वाह, वक्त के हाथों में, के हाथों में सब कुछ छोड़कर देखा है मैंने। तुम्हारे साथ मिलकर उसने भी, तुम्हारे साथ मिलकर उसने भी आंख मिचौली के खेल खिलाए। क्या बात, तुम्हारे साथ मिलकर उसने भी आंख मिचौली के खेल खिलाए हैं। ये अंतिम वो है। स्वागत। मैं अपने अकेलेपन में, मैं अपने अकेलेपन में बस तुझसे रूबरू रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने अकेलेपन में, इबादत है साहब, इबादत है। बस तुझसे रूबरू रहता हूँ, बिल्कुल। तुझे सोचता हूँ, तेरी खुशबू को महसूस करता हूँ। क्या बात, तुझे सोचता हूँ, तेरी खुशबू को महसूस करता हूँ। तू कभी गले से लगाए अपना कहकर, तू कभी गले से लगाए अपना कहकर, मुझे अपना कहकर, बस इस ख्वाब के, बस इस ख्वाब के सच होने की दुआ करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस इस ख्वाब के सच होने की दुआ करता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, खतरा भी है, ये ख्वाब सच हो या ना हो, ये बड़ा पशुपेश का मामला है, कशमकश है, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं हैं। तो कहते हैं शरीक हयात के द्वारा एक ख्वाब सच हो। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया। और इन्हीं आपकी इन्हीं लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली, दो पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ, बिल्कुल फिट बैठती है। कि राज की बातें कहूँ तो
क्या भला रह जाएगा। राज की बातें कहूं तो क्या भला रह जाएगा, और सामने आ जाए सब तो दिल जला रह जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, बड़ा डूब के ये आपने कविता लिखी, और मैं समझता हूँ कि आपने जिया है इस कविता को। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो चलिए अब अगले कवि को मैं आमंत्रित करूँगा। बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएँ, बड़े अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। अगले कवि के लिए दो पंक्तियाँ अनिल जी के। सूरज उलझा तारों में आया है अखबारों। क्या बात है, सूरज उलझा तारों में आया है अखबारों में, और खेल है ये साजिशों के, खेल है ये साजिशों के नकाब उगे दरबारों में। क्या बात। सूरज उलझा तारों में आया है अखबारों में। इन्हीं पंक्तियों के साथ अनिल जी मैं आपको दावत दूंगा कि एक और सुंदर सी कविता सुना के हमें भाविभोर करें। त्यागी जी के आदेश को का अनुपालन करते हुए अनुरोध मान लीजिए तो उसका अनुपालन करते हुए एक छोटी सी हल्की फुल्की रचना माहौल को देखते हुए स्वागत। डॉक्टर साहब यहाँ इजाज़त चाहूँगा। एक दिन शाम को व्यस्तताओं के बीच पड़ोसी तिवारी जी का फोन आया। क्या बात है, एक दिन शाम को व्यस्तताओं के बीच पड़ोसी तिवारी जी का फोन आया और उन्होंने फरमाया। अच्छा, तिवारी जी का फोन आया और उन्होंने फरमाया, सुबह से ही चैटिंग में बहुत व्यस्त हूँ। भाई साहब सुबह से ही चैटिंग में बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी फुर्सत से मिली तो मन किया लगे हाथ आपको फोन कर लो। क्या बात है। सुबह से ही चैटिंग में बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी फुर्सत से मिली तो लगा चलो लगे हाथ आपको फोन कर लूँ। आने का समय नहीं था क्या करूँ, इसलिए सोचा कुछ देर आपसे ही मोबाइल पर बात कर लूँ। मैं बोला तिवारी जी नाहक ही परेशान होते हैं। सही बात है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फोन पर क्यों समय खराब करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बोला तिवारी जी नाहक ही परेशान होते हैं, फोन पर क्यों समय खराब करते हैं। आइए हम आपसे इत्मीनान से नेट पर चैटिंग करते हैं। क्या बात है। आइए हम आपसे इत्मीनान से नेट पर चैटिंग। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया, और आजकल के सोशल मीडिया में गुफ्तगू कैसे होती है, और मिलना जुलना कम हो गया, बस इसी माध्यम से ही बातें होती हैं।